दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। आज भारतीय क्रिकेट में जातिवाद कितना ज्यादा फैला हुआ है ये हम सबको सामने दिख रहा है। कैसे सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा जैसे मशहूर खिलाड़ी अपनी जाति पर इठला रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि आज से लगभग 100-125 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान कैसे भारत के पहले दलित क्रिकेटर पलवंकर बालू ने भारतीय क्रिकेट टीम में शानदार प्रदर्शन करके अंग्रेजों को तो हराया ही, साथ ही में एक ऐसे खेल में जाति के बाधाओं को तोड़ा जिसमें ब्राह्मण सवर्णों का पूरा दबदबा था। इसके लिए उस समय उनके सम्मान में एक फंक्शन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी खूब प्रशंसा भी करी थी। आज प्रेरणा लेते हैं उनके संघर्ष और उनकी प्रतिभा की शानदार कहानी से, जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों से मिटाने की पूरी कोशिश करी गई है। पालवंकर बालू का जन्म 1875 में कर्नाटक के धारवाड़ में चमड़े के श्रमिकों के परिवार में हुआ था, लेकिन उनके पिता सेना में थे। बालू और उनके भाई शिवराम ने पुणे में सेना के अधिकारियों द्वारा फेंके गए उपकरणों से क्रिकेट खेलना सीखा। ये कहानी कुछ डॉक्टर अंबेडकर जैसी है, जिनके पिता के सेना में होने से एक कदम आगे बढ़ पाए थे वो। 1892 में 17 वर्षीय पलवंकर बालू को पूना क्रिकेट क्लब में 4 रुपए महीना की आय पर नौकरी मिली। पहले तो उनका काम केवल क्रिकेट पिच का रखरखाव करना था, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने कौशल दिखाया तो उन्हें अंग्रेज बल्लेबाजों को नेट्स में गेंदबाजी करने का मौका मिला। वो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे। तो यहाँ भी जैसा सेना की वजह से हुआ, वैसे ही अंग्रेजों के खेल के क्लब्स की वजह से जाति की बाधाओं में कुछ चोट जरूर पहुंची और दलित समाज से लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इस अवसर के बाद बालू ने मुड़कर नहीं देखा, ऐसा प्रदर्शन किया कि उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। क्रिकेट में उस समय टीम्स धर्म के नाम से बनती थी, हिंदू, पारसी, मुस्लिम हो गई और अंग्रेजों की टीम तो थी ही। पहले तो पूना की हिंदू टीम के ब्राह्मण सवर्णों को उन्हें टीम में लेने से संकोच हुआ, पर क्योंकि उनकी टीम काफ़ी कमज़ोर थी, हिंदुओं की टीम काफ़ी कमज़ोर थी, तो बालू टीम में आए और हिंदू टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बने। जहां मैदान में सब एक साथ खेल रहे थे, परंतु जातिवाद इतना गहरा था कि मैदान के बाहर बालू को अलग मटके में चाय और पानी और अलग प्लेट में खाना पड़ा। आगे बढ़ने के लिए बालू ने बॉम्बे की ओर रुख किया और हिंदू जिमखाना टीम ज्वाइन करी। कई बार अपनी शानदार गेंदबाजी से उन्होंने हिंदू जिमखाना की टीम को अंग्रेजों की टीम के ऊपर जीत दिलाई। आखिरकार बॉम्बे में जाति की बेड़ियों को टूटना पड़ा। बालू सवर्णों के साथ भोजन करने वाले पहले सार्वजनिक दलित व्यक्तियों में से एक थे। उसके बाद 1911 में पहले भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर वो सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बने, जबकि बहुत बुरी तरीके से भारतीय टीम वो दौरे में हार गई थी, पर उनका जो प्रदर्शन था वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बना। इस प्रदर्शन के लिए उनका भारत में वापस आकर जबरदस्त वेलकम हुआ। दलित समाज ने उनके आदर में फंक्शन रखा, जिसमें स्वागत संबोधन किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया। बताया जाता है कि 1910 और 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार अपने भाषणों में बालू की प्रशंसा करी थी, पर राजनीतिक उथल पुथल के चलते पालवंकर बालू और डॉक्टर अंबेडकर आमने सामने आए। बालू गांधीवादी थे और पूना पैक्ट में उन्होंने गांधी का समर्थन किया। वो बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन करने के फैसले से भी सहमत नहीं थे। 1937 में उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के दबाव में झिझकते हुए डॉक्टर अंबेडकर के विपक्ष में चुनाव भी लड़ा। डॉक्टर अंबेडकर वो चुनाव ज़रूर जीत गए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं चुनाव लड़ने में।
क्रिकेट टीम की कप्तानी से जुड़ा एक और किस्सा है जो जातिवाद को दर्शाता है। 1910 के दशक में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने के लिए ये स्वाभाविक बात होनी चाहिए थी कि उन्हें कप्तान बनाया जाए। 1913 में टीम के कप्तान एमडी पाई ने खुद कहा था कि बालू को ही कप्तान बनाना चाहिए, पर चयन करता थे कि अपने पूर्वग्रहों से आगे ही नहीं बढ़ पाए। 1920 में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और एक जवान ब्राह्मण डीबी देवधर को कप्तान बनाया गया। इसके विरोध में उनके भाइयों ने भी टीम से इस्तीफा दे दिया। विवाद के चलते बालू को उपकप्तान जरूर बनाया गया। ऐसा विवाद 3 साल तक और चला और कई कड़े विरोध के बाद 1923 में बालू हिंदू टीम के आखिरकार कप्तान बने। हमें शायद ये ज़रूर लग सकता है कि पालवंकर बालू बाबा साहेब के खिलाफ गए पूना पैक में तो उनका सम्मान शायद नहीं होना चाहिए, परंतु उस समय के हिसाब से विश्लेषण किया जाए तो एक अनूठा व्यक्तित्व था उनका, जिन्होंने क्रिकेट जैसे अभिजात वर्ग के खेल में जातिवाद को तोड़ने की पूरी कोशिश करी। अंग्रेजों के ज़माने में पालवंकर बालू भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर थे, पर लगान फिल्म, आज की आप हिंदी फिल्म देखें लगान फिल्म जो उस समय की कहानी है, उसमें देखा जाता है कैसे एक दलित किरदार को दिखाया है। तो जानिए बालू की कहानी, जिसके बारे में क्रिकेट सर्कल्स में चर्चा नहीं होती, कैसे उनकी उपलब्धियों को मिटा दिया गया है पॉपुलर कल्चर में से भी। इस पैमाने में उनका योगदान क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी से कम नहीं है। आज के युवाओं के लिए, खासकर जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणादायक भी है। काश हमें और पता होता इनके बारे में, क्या क्या बोला उन्होंने, क्या क्या किया, तो हम आपको और जानकारी देते और हम अच्छे से विश्लेषण कर पाते उनके और बाबा साहेब के बीच में क्या क्या वार्तालाप हुई। पर अभी के लिए इतनी ही कहानी है। ये कहानी भी ना मिट पाए तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, लाखों लोगों तक ज़रूर लेके जाइए। साथ ही में हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए द न्यूज़ बीक के नाम से ही। शुक्रिया।